नमस्ते गाइस। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो लेंगे बट उसको चार्ज कैसे करेंगे, चार्जिंग स्टेशन नहीं है। भाई अभी NHAI ने डिसीजन ले लिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज टेकन डिसीजन टू इंस्टॉल 700 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस नेशनल हाईवेज। 700 चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं 2023 तक अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज अक्रॉस इंडिया। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जान के कि करीबन 35,000 टू 40,000 किलोमीटर पूरा कवर करने वाले हैं ये नेशनल हाईवे जिसपे चार्जिंग स्टेशन होंगे। आफ्टर एवरी 40 टू 60 किलोमीटर्स एक चार्जिंग स्टेशन होगा, तो करीबन 35 टू 40,000 किलोमीटर्स के ऊपर ये सारे 700 चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल होने वाले हैं 2023 तक। सो अगर आप नई फोर व्हीलर लेना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना, बिकॉज आगे जाके आपको रोड साइड जो ढाबे होते हैं या होटल्स होते हैं उनमें आपको चार्जिंग स्टेशन की तो फैसिलिटी मिल ही जाएगी, बट अलॉन्ग विद दैट NHAI के सर्टिफाइड चार्जिंग स्टेशंस भी आपको मिल जाएंगे। और ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। सो अगर आप अब नई टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेना चाहते हो, कंसिडर बाइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। डोंट वरी अबाउट चार्जिंग, बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ट्रिमेंडसली डेवलप हो रहा है इंडिया में। सो ये नया अपडेट कैसे लगा जरूर बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।